छत्तीसगढ़ राज्य के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने वेतनमानों में सुधार करने व उपनाम परिवर्तन किए जाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। छत्तीसगढ़ लिपिक फेडरेशन के बैनर तले, जिसमें छत्तीसगढ़ के समस्त लिपिक संघों का महासंघ जुड़कर लिपिकों के हित के लिए एक ही मांग, वेतनमान सुधार एवं पदनाम परिवर्तन किए जाने की मांग को लेकर दुर्ग के हिंदी भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से लेकर अब तक विभिन्न लिपिकों संघों द्वारा लिपिकों के वेतनमान में सुधार हेतु समय समय पर अपने स्तर पर संघर्ष किया गया। चूंकि हम बिखरे हुए होकर संघर्ष कर रहे थे, इसीलिए हमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। अब सभी लिपिक साथियों ने एक साथ मिलकर वेतन विसंगति का निराकरण कराने 21 से 35 दिनों का अभूतपूर्व अनिश्चितकालीन आंदोलन किया, जिसका ही परिणाम रहा कि लिपिक साथियों को 250 और 500 का कंप्यूटर प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत किया गया। इसी कड़ी में सभी मिलकर एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर शासन तक अपनी बात पहुंचाने ये धरना प्रदर्शन करते दिखाई दिए। साथ ही बताया कि अगर शासन द्वारा लिपिकों के वेतनमान में सुधार नहीं किया जाता तो 4 सितंबर से काम बंद, कलम बंद, अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की बातें कही। हमारे प्रदेश में करीब 28 से 30 हज़ार के करीब हैं हमारे कर्मचारी, लिपिक वर्गीय के ही कर्मचारी हैं ना, ये जो बात बता रहे हैं अपन। और यहाँ पर 1000 कर्मचारी हैं दुर्ग जिले में, 1000 लगभग कर्मचारी हैं। और हम लोग अभी एक दिवसीय हड़ताल है, आज का सांकेतिक हड़ताल है। सरकार अभी हमारे मांगों को नहीं मानती तो हम अगले 4 सितंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ जाएंगे। सरकार के सारे कार्यक्रम, सारे लिपिक कार्यालय बंद हो जाएंगे। तो ये मानिए कि पूरी सरकार और कार्यालय बंद होने से आने वाले चुनाव में प्रभावित हो सकता है, काम प्रभावित होगा। तो निश्चित ही हमारे सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो मांग है वो आज की मांग नहीं, और सरकार ने आज की जो मुख्य हमारे माननीय बघेल सरकार, उनने भी स्वीकार किया है कि हाँ आपके वेतन में विसंगति है। जब वो सरकार में नहीं थे, हमारे पंडालों में आकर ये आश्वासन दिया गया था, या तो पाटन के कार्यक्रम में और हमारे बिलासपुर के कार्यक्रम में। तो हम उस याद दिलाना चाहते हैं जो उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है पूर्व में, उसको पूरा करें। और हम हमारी हड़ताल करने की कोई मंशा नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरा करें और उसमें सरकार को ही कोई आर्थिक, बहुत ज़्यादा आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ करबद्ध, कि इस जो मांग है हमारा 4 सितंबर के पहले इसको पूरा करें तो हम उनको धन्यवाद देंगे। और हम आज उनको जो हम कार्य करना चाहते हैं और उत्साह से कार्य करेंगे। अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं है, लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल के पूर्व का आगाज़ है। पूरे लिपिक फेडरेशन पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में हुआ कि जितने भी लिपिक साथी, जितने भी घटक दल है, 7 संगठन होते हैं, सभी लोग एक मंच में आकर के लिपिक लोग अपनी बात को मनवाने के लिए आए हैं। और केवल एक सूत्री मांग है, वेतन सुधार। हमारे वेतन सुधार 40 सालों के हमारे संघर्ष है, चाहे जो भी सरकार रही हमारे साथ सिर्फ आश्वासन दिए और हमने छली है। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं और ये हड़ताल ही एक अंतिम रहता, संघर्ष ही हर व्यक्ति का एक नारा रहता, बिना संघर्ष किए किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए संघर्ष है, इस सरकार को हम ये बताना चाहते हैं एक दिन की हड़ताल से कि समय रहते केवल एक सूत्री मांग है, हमारी जायज मांग है, उसको पूर्ण कर दें। 40 साल से पुरानी सरकार नहीं थी, पुरानी सरकार चली गई, आपकी सरकार है। यदि आप आगे आना चाहते हैं, और हम कर्मचारियों की सरकार है, हमारी अपनी सरकार है, हमारे अपने जिले की सरकार है, ऐसी स्थिति में हम उनसे कहते हैं कि हमारी बातों को सुने, गंभीरता से सुने, और हम आपके बच्चे के रूप में हमारी मांगों को समय रहते करें। हम अनिश्चितकालीन, यदि हमारी मांग को पूरी कर ली जाती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य अनिश्चितकालीन पूरे सरकार के काम को ठप करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है हमारी जायज मांगों को, हमारे वेतन विसंगति को, हमारे वेतन सुधार को वो समय रहते पूर्ण कर दे। इसलिए केवल वेतन सुधार के लिए हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। सहायक ग्रेड 3 का 1900 का ग्रेड पे उसको हम 2400 मांग रहे हैं, सहायक ग्रेड 2 2400 है उसको हम 2800 मांग रहे हैं, और लेखापाल सहायक ग्रेड 1 है, मुख्य लिपिक है, वो 2800 उसको हम 4200 मांग रहे हैं। केवल एक ही मांग है हमारी सूत्री, यही सरकार से हम अपेक्षा करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।